तो हम बात कर रहे थे कीबोर्ड की, तो कंट्रोल कीज़ के साथ भी हम दूसरी कीज़ का कम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल की है, इसके साथ अगर हम कंट्रोल सी करते हैं तो कोई भी हमने मल्टीमीडिया है या कोई भी फोल्डर है या कोई भी लिखा हुआ कंप्यूटर के अंदर हम कुछ लिख रहे हैं अपनी फाइल्स में, तो वहाँ से हम जो है क्या करेंगे, तो पहले तो हम सबसे पहले हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे उस लिखे हुए को, या कोई भी ऐसा फोल्डर है हम उनसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम जो है वो माउस का इस्तेमाल करके उनको पहले सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से हम फिर कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, और कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं, उस कॉपी को हम किसी और जगह पे मूव कर सकते हैं, सेम कॉपी चली जाती है। इसके अलावा जो है कंट्रोल एस से हम जो है वो साथ साथ जो है वो सेव करते जाते हैं ताकि अचानक से लाइट चली जाए तो हमें कोई ऐसी परेशानी ना हो। इसके अलावा जो है कंट्रोल एक्स से जो है हम कंट्रोल ए से तो हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल एक्स से हम कट कर लेते हैं, या हम माउस के ज़रिए से जितना हमने कट करना है उसको पहले सिलेक्ट करते हैं, माउस के ज़रिए से हम ड्रैग करते हैं क्या कहते हैं उसको लेफ़्ट क्लिक से, तो उस लिखे हुए को सिलेक्ट करके फिर हम कंट्रोल एक्स से हम उसको कट कर लेते हैं, और कट करके हम दूसरी जगह पर हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से ख़त्म हो जाएगा जहाँ से हमने उसको कट किया है, ठीक है। इसके अलावा जो है कंट्रोल ओ से हम जो है क्या करते हैं, हम नई फाइल को जो है ओपन करते हैं, किसी भी फाइल को हम ओपन करना हो तो कंट्रोल ओ से हम ओपन करते हैं, इसी तरह से आल्ट F4 से जो है किसी भी फाइल को या किसी भी प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत सारे ऐसी कीज़ हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है गर्मियों में अक्सर कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाते हैं, या हम बार बार कोई भी फोल्डर हम क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो क्लोज़ नहीं होता है, तो इसके लिए तो हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल आल्ट और साथ में हम डिलीट को हम जो है वो प्रेस करते हैं, ठीक है, कंट्रोल आल्ट और डिलीट, जिससे हम जो है उसको जो है वो बंद कर देते हैं, समझ आ रही बात, वो विंडो जो है उससे उसको हम बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि हम दोबारा से इसको रीस्टार्ट करें, क्योंकि ये हैंग हो गया, तो हमें हैंग हो जाए तो ये चीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा जो है इंटर की जो है ये इंटर की जो है ये क्या की जाती है, नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए हम इंटर की को इस्तेमाल करते हैं, हम लिख रहे हैं तो हमने नीचे जो है कुछ और लिखना है, ब्रेक करना है वहाँ से, तो हम इंटर की को प्रेस करते हैं तो हम जो है वहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए इंटर की का इस्तेमाल करते हैं, और इससे इसके बाद जो है एंड कीज़ यहाँ पर हैं, एंड कीज़ हैं ये यहाँ इस हिस्से में, अगर इस हिस्से में आने से पहले हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ये बैक स्पेस है, बैक स्पेस को हम जो है कर्सर जो है वो डिलीट वन करेक्टर को डिलीट करने के लिए हम जो है वो बैकस्पेस का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम प्रेस करते हैं तो वो जो है वो कंटिन्यूसली डिलीट होता जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ और भी हैं कि हम शिफ्ट के साथ अगर कोई हरूफ हमने बड़ा लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ उसको लिखते हैं, ठीक है, शिफ्ट को प्रेस करके हम वो हरूफ लिखते हैं तो वो बड़ा हरूफ लिखा जाता है, ठीक है, अक्सर डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखा जाता है। हम कंट्रोल पी करते हैं तो कंट्रोल पी के साथ हम भी किसी चीज़ का प्रिंट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, और हम टैब की इस्तेमाल करते हैं, टैब की का जो एरो है वो दोनों तरफ मुड़े हुए हैं, आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है, तो अगर हम टैब का इस्तेमाल करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, अगर हम वर्ड में टैब का इस्तेमाल करते हैं तो कर्सर जो है वो 8 स्पेस जो है वो आगे मूव हो जाता है, ठीक है, और अगर हम शिफ्ट के साथ हम टैब का इस्तेमाल करते हैं तो 8 स्पेस जो है वो कर्सर पीछे की तरफ मूव हो जाता है, तो स्पेस बार में जो है वो कर्सर वन स्पेस मूव होता है नेक्स्ट, और इसमें जो है 8 स्पेस के बराबर जो है हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताने वाली इसमें चीज़ तो ऐसी समय नहीं है। अब आते हैं हम इस हिस्सा में।